दोस्तों आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं सावलैंड के स्पेशल एपिसोड 214 की पार्ट 1 पर। तो फाइनली हमारे एपिसोड आ चुका है, चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां तक हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। टैंक्सन शेहू को फाइनली रिवा कर देता है, जहां पर हम देखते टैंक्सन के सामने शेहू खड़ी होती है। टैंक्सन से देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ ही टैंक्सन के हेड पर एक गोल्डन लाइट जमक उड़ती है और टैंक्सन के बाकी 4 सावलैंड वो सब टैंक्सन के बॉडी में आने लगते हैं। जैसे वो आकर टैंक्सन के बॉडी में दोबारा से अटैच हो जाते हैं, उसके साथ ही वहां पर एक ग्लो होता है जिसकी वजह से टैंक्सन काफी ज्यादा जोर जाकर लगता है। मगर शेहू उसे देखकर उसे पकड़ के लिए आती है और अब शेहू अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। जैसे शेहू आती है टैंक्सन के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है। हमें नेक्स्ट व्यू में देखते हैं कि टैंक्सन जमीन पर लेटा होता है और अभी के लिए शेहू भी इनके पास ही होती है। शेहू टैंक्सन से कहते हैं तुम काफी ज्यादा स्टूपिड हो। उसके साथ टैंक्सन उसे कहता है मेरा सारे सफरिंग पेवेट मुझे मिल चुका है, तुम फाइनली वापस आ चुके हो। उसके साथ शेहू टैंक्सन को एक रिंग पहना देती है मगर उसके साथ टैंक्सन को काफी ज्यादा पेन होने लगती है जिसकी वजह से शेहू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब शेहू अपनी सॉल पर को टैंक्सन को देने लगती है जिसके साथ ही नेक्स्ट टू में हम देखते हैं टैंक्सन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शेहू से कहता है तुम्हें तुम्हारे लाइफ में वापस आने की इच्छा दामिंग अर्मिंग का थी, ये मेरी लाइफ का एक ही इच्छा थी। ये बात सुनकर शेहू अपनी दामिंग अर्मिंग का बात को याद करने लगते हैं। तुम्हें शार्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा रोने लगती है। टैंक्सन उसे रोने की मना करता है। अब उसके साथ ही कहता है दामिंग अर्मिंग तुम्हें इस तरह से रोना नहीं चाहते थे जिसकी वजह से उन लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। अभी के लिए हमें खुश रहना होगा। और उसके साथ ही हमें दामिंग अर्मिंग के सोल को दिखाया जाता है जो कि सब देख रहे होते हैं। ये दोनों ही उड़कर कहीं पर गायब हो जाते हैं। टैंक्सन कहता है वो लोग मर चुके हैं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा जो कि तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हारी अपनी लाइफ को अपनी इच्छा से जीना होगा। जिसके साथ टैंगाओ उसे कहता है तुम अपनी न्यू लाइफ को होप कर सकते हो। और उसके साथ शेहू टैंगाओ को थैंक यू अंकल कहती है जिसके साथ टैंगाओ उसे कहता है लास्ट टाइम पर तुम यहाँ पर आए तो तुम मुझे फादर कहकर बुलाए थे, तुम अंकल क्यों कह रहे हो। शेहू उसे फादर कहकर बुलाने लगते है और अब शेहू रोना छोड़कर खुश होने लगते है। टैंक्सन उसे कहता है तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है मैं एक बात बताने के लिए इतने दिनों से इंतजाम किया है। फाइनली इस बात का मौका मिल चुका है, ये अब मैं कह सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। जिस पर शेहू उसे कहती है हाँ मैं जरूर करूंगा। जिसके साथ टैंक्सन उसे कहता है पर अगर ठीक है मैं एक बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी देने वाली हूँ ताकि मैं दुनिया को बसा सकूं, तुम मेरी वाइफ हो और उसके साथ ही तुम्हारी लाइफ की खुशियाँ मेरी लाइफ की खुशी होगी। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, इस दुनिया चेंज भी हो जाए हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जिसके साथ ही टैंक्सन शेहू को किस कर देता है। ये काफी ज्यादा रोमांटिक सीन बन जाता है जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक सीन होती है। सीन दोबारा से चेंज होता है, हमें टैंक्सन एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अभी के लिए टैंक्सन अपनी माइंड पावर रिकवर कर रहा होता है ताकि वो अपने पीक लेवल तक जा सके। और जिसके साथ ही हम देखते टैंगो इनके पास आता है जो कि कहता है टैंक्सन की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ ही देर में रिकवर हो जाएगा। और उसके साथ ही कहता है और उसके साथ ही हम आज टैंक्सन के ऊपर वो अपनी पावर को करते हुए कहता है उनकी बोन्स नर्व्स इंजोर नहीं हुए है, सिर्फ उनकी माइंड पावर ही थोड़ी सी अप डाउन हो रही है मगर उसको भी सीग और लाइट ने संभाल कर रखा है। और अभी के लिए मेरी जो भी माइंड पावर अप डाउन हो रही है उसे मैं अपनी साइट एंड मूव से रिकवर कर सकता हूँ। जिसके साथ टैंगाओ टैंक्सन की ऑरा को देखकर कहता है ये व्हाइट ऑरा देखने के लिए पावरफुल नहीं लगता मगर इसके अंदर वो थॉट पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है जो कि टैंक्सन की बॉडी को अभी तक प्रोटेक्ट करती आ रही है। मैंने अभी तक ग्रैंड सोल मास्टर के पेड को सारा कवर कर लिया है और वहां तक कल्टीवेशन किया हुआ है मगर मैंने आज तक इस तरह की ऑरा को पील नहीं किया। इस फ्लावर एक साथ कटे हो रहे हैं, क्या पाइव ऑरा की है। उसके साथ ही टैंक्सन अपनी पावर को रिकवर कर देता है जिसके साथ ही कहता है मैंने अपने ट्रांटरन लेवल 9th लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है, मैं इसे फाइनली कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसके साथ टैंक्सन उड़ता है, शेहू इनके पास आ जाती है। टैंक्सन से पूछती है अभी के लिए तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। टैंक्सन उसे कहता है मैं ठीक हूँ। उसके साथ टैंगाओ टैंक्सन से कहता है तुम्हारी स्पिरिट पावर अभी के लिए कितनी है। जिस पर टैंक्सन उसे कहता है अभी के लिए मेरी स्पिरिट पावर लेवल 91 की है। शेहू उसे कहती है मगर तुमने एक साथ पाइव रून को लॉस किया है, तुम्हारे ब्लू सिल्वर एम्परर की प्रोटेक्टिव बॉडी टोटली डैमेज हो चुकी है। टैंक्सन उसे कहता है मगर मेरे पास डबल प्रोटेक्टिव डबल स्पिरिट है और उसके साथ ही साथ मेरी ब्लू सिल्वर स्पिरिट मेरी हाउट एंड हैमर की स्पिरिट थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं कर रही है। जैसे मैं अपनी सारी सोल रिंग को अब्सॉर्ब कर लूंगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शेहू उनसे कहती है क्या हम वहाँ पर चले। उसके साथ शेहू टैंगाओ से कहती है मैं और टैंक्सन थोड़ी देर में आ जाएंगे। जिसके साथ शेहू दोबारा से कहती है हम दोनों यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे, हमें यहाँ पर कोई ना कोई मास्टर मिल ही जाएगा, हम ऐसा भी हो सकता है हमें वही मास्टर मिल जाए तुम्हारे लिए अच्छे से सूटेबल हो। जिसके साथ टैंक्सन माइंड में कहने लगता है कि शेहू भी 100,000 की सोल बेस्ट रही है तो अगर किसी सोल बेस्ट को किल करना इनोसेंट हो शेहू की फीलिंग को हर्ट कर सकता है। और अभी के लिए शेहू हंटिंग का नाम कभी नहीं लिया था
मगर ये मुझे सोल बेस्ट को हंट करने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं। वो मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान है, जिसके साथ टैंक्स एंड शाओ को रोक कर कहता है, मैं तुम्हें इस बात का गारंटी करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर को हंट करूंगा जो मेरे ऊपर अटैक करेंगे, सबसे डेंजरस हो। जिसके शाओ टैंक्स एंड मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आ चुके होते हैं। शाओ टैंक्स एंड से कहते हैं, क्या तुमने पहले इस बात के बारे में सोचा है तुम्हारे पाई स्पिरिट रिंग कौन सी मॉन्स्टर से चाहिए? टैंक्स एंड उसे कहता है, अगर मेरी ब्लू सिल्वर टेक्निक को दोबारा से बेस्ट स्टेज पर जाकर जाना है, अभी के लिए टैंक्स एंड उन सारे मॉन्स्टर के बारे में शाओ को बता देता है। जिसके साथ शाओ उसे कहती है, इसका मतलब है कि अभी के लिए हम आने वाले टाइम में स्पिरिट मास्टर को देखना होगा और उन्हीं स्पिरिट मास्टर के सोल रिंग को दोबारा से ऑब्जर्व करना होगा जो कि तुमने पहले ऑब्जर्व की थी। जिस पर टैंक्स एंड उसे कहता है, मुझे पहले इस बात का वक्त नहीं मिला था कि तुम्हारे लेवल कितना हो चुका है। जिस पर शाओ उसे कहती है, अभी के लिए मेरे लेवल 70 हो चुकी है और अभी के लिए मैं इस आगे भी ले जा सकता हूँ। जिसके साथ टैंक्स एंड उसे कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम वो अपनी एडिशनल रिवार्ड्स मिलने वाली है जो कि तुम्हें सी गॉड आइलैंड मिलने थे। मैं जैसे ही अपनी 9th एग्जाम को कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं उस बात का पता लगा लूंगा कि एडिशनल रिवार्ड में क्या था। जिसके साथ हम देखते हैं एक और व्यू को जो कि टैंक्स एंड को देख रही होती है और अभी के लिए व्यू डेमन स्पाइडर एम्परर की होती है। हम दोबारा से आ जाते हैं जाओ की व्यू पर जो कि कहती है, अभी के लिए मैं फाइनली अपनी ह्यूमन बॉडी में आ चुकी हूँ, अगर मेरे लिए कोई स्पिरिट रिंग चाहिए तो मुझे भी सोल बेस्ट को हंट करना होगा। टैंक्स एंड उसे कहता है, अभी के लिए तुम्हारी बॉडी जैसी स्टेज तक आ चुकी है, तुम अभी के लिए कोई भी 100,000 ईयर सोल रिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए 50,000 से रहने वाली सोल बेस्ट का ही सोल रिंग ऑब्जर्व कर सकते हो। टैंक्स एंड को कुछ महसूस होने लगता है कि कोई उनके पास आ रहा है, जिसके साथ टैंक्स एंड शाओ को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसके साथ टैंक्स उस मॉन्स्टर के अटैक से बचा लेता है और उसके साथ ही कहता है, ये डेमोनिक स्पाइडर एम्परर की टेक्निक है। और इसके साथ टैंक्स उस मॉन्स्टर से कहता है, अगर तुमने अटैक करने का इरादा बना लिया तो हम लोग तुम्हारे अटैक ओपनली वेलकम करेंगे। जिसके साथ टैंक्स अपनी सी को ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है, इस ट्राइडेंट से इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। जिसके साथ टैंक्स कहता है, इस मॉन्स्टर के पहले मॉन्स्टर से ज्यादा है, हालांकि उस मॉन्स्टर का लेवल 30,000 ईयर का था, मगर इसका लेवल तो काफी ज्यादा लग रही है, ये मेरे लिए सबसे सूटेबल होगा। दोस्तों हमारे ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।